अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां भोपाल मेमोरियल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में थैलेसीमिया से जूझ रहे मरीज का जटिल ऑपरेशन किया गया। 22 वर्षीय युवक के पेट से करीब 25 सेंटीमीटर बढ़ी तथा वजन 2.5 किलो वजनी स्प्लीन निकाली गई है। अब मरीज को जल्दी से जल्दी खून चढ़वाने की जरूरत नहीं होगी। बीएमएचआरसी के गैस्ट्रो सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद वर्मा ने बताया कि मरीज बचपन से ही थैलेसीमिया की बीमारी से पीड़ित है। उसकी उम्र 22 वर्ष है, लेकिन बीमारी की वजह से वजन सिर्फ 35 किलो ही था। मरीज को हर एक महीने में रक्त चढ़ाने की जरूरत होती थी, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी स्प्लीन बढ़ना शुरू हो गई थी। स्प्लीन के बढ़ने से मरीज को हर सप्ताह खून चढ़ाना पड़ रहा था। मरीज की जांच में पता चला कि स्प्लीन का आकार सामान्य से करीब 8 गुना हो गया है। ऐसे में ऑपरेशन ही अंतिम विकल्प था। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि सामान्य मरीजों की तुलना में थैलेसीमिया ग्रस्त मरीजों के ऑपरेशन ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। मरीज के शरीर में पहले ही ब्लड कम होता है, वहीं थैलेसीमिया की वजह से ज्यादा ब्लीडिंग होने का डर रहता है। एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर सारिका कटियार ने बताया कि मरीज का हीमोग्लोबिन स्तर 7.5 था, वहीं निकाली गई स्प्लीन में भी 500 ml रक्त था। ऐसे में बेहोशी के दौरान मरीज का हीमोग्लोबिन स्तर बनाए रखना ज्यादा चुनौती भरा था। डॉक्टर वर्मा के मुताबिक अब मरीज को हर सप्ताह रक्त बदलने की समस्या से निजात मिल जाएगी। स्प्लीन ऑपरेट होने के बाद मरीज को अब 1 से 1.5 महीने में रक्त बदलवाने की जरूरत होगी। इंसान के शरीर में तिल्ली का आकार पुरानी रेड ब्लड सेल को खत्म कर नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना होता है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशय सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।